वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। तो हम गूगल फॉर्म के बारे में कोई बात करें, उससे पहले हम कुछ बातें फॉर्म के बारे में कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि फॉर्म है क्या। फॉर्म अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पे प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो एक फॉर्म के थ्रू होता है। हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें हमें सारी डिटेल्स भरनी होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस पूरा होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्यों के लिए फॉर्म को प्रयोग में लाया जाता है। यदि इसी फॉर्म को हम डिजिटली बनाना चाहें, यानी ऑनलाइन फॉर्म तैयार करना चाहें, तो हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के अलावा जॉट फॉर्म और सर्वे हार्ट और इसके अतिरिक्त और भी कई कंपनी हैं जो फॉर्म बनाने का काम करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गूगल फॉर्म के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के द्वारा हम गूगल फॉर्म को कैसे तैयार कर सकते हैं। और हम स्क्रीन रीडर के माध्यम से इसे सीखेंगे, जानेंगे। तो अभी मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ स्क्रीन रीडर है NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। और इसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपके कंप्यूटर में कोई एक ब्राउज़र होना चाहिए,
जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, इनमें से कोई भी एक ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास गूगल क्रोम है और मैं गूगल क्रोम के थ्रू आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म तैयार कैसे करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने गूगल क्रोम का शॉर्टकट बनाया हुआ है। यदि आपके पास डेस्कटॉप पे शॉर्टकट ना हो तो आप स्टार्ट मेन्यू से गूगल क्रोम को सर्च कर सकते हैं। मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ, एक बार मैं विंडोज़ की प्रेस कर रहा हूँ। Start window, search window, search box edit. और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ Google. G. Google Chrome app. Press right to switch preview one of one level one. ठीक है, Google Chrome आ गया है. तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं. मैं अब डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ. Google desktop list. Adobe Audition 1. Desktop list. Google Chrome 10 of 34. और यहाँ पे मैंने G प्रेस किया तो Google Chrome आ गया. यहाँ पे मैं Enter प्रेस करता हूँ. Toolbar, address and search bar, edit as autocomplete, CTRL plus L, address and search bar. जैसे ही मैंने Google Chrome में Enter प्रेस किया, हमारा कर्सर एड्रेस बार में आ गया है। लेकिन कुछ ब्राउजर्स ऐसे भी होते हैं जिसको जब आप ओपन करेंगे तो आपका कर्सर एड्रेस बार में बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। तो एड्रेस बार में जाने के लिए आपको एक शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Alt D, Alt plus D, यानी Alt को प्रेस करके रखना है और D प्रेस करेंगे। इसके अलावा एक और कमांड है Control plus L, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कमांड्स को प्रेस करके आप एड्रेस बारे में पहुंचेंगे। क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूं और यहां पे मैंने जैसे ही गूगल क्रोम ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कर्सर एड्रेस बार में है। तो यहाँ पे अब मुझे ड्राइव ओपन करना है और ये जितने भी ऐप्स मैं बता रहा हूँ, जितने भी ऐप्स के नाम मैं ले रहा हूँ, चाहे वो फॉर्म हो, गूगल फॉर्म या गूगल ड्राइव, ये सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राइव ओपन करना होगा और ड्राइव ओपन करने के लिए हमें ड्राइव के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही हम गूगल फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ ड्राइव का जो वेबसाइट है, drive.google.com, drive डॉट यानी फुल स्टॉप गूगल google डॉट यानी फुल स्टॉप com drive.rrnsivie.drive.google.com selection removed। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। com drive.google.com selected, document busy blank, main landmark. Sort by name, reverse sort direction, read sort by name, reverse sort direction, region, table, B. तो यहाँ पे एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम गूगल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका लॉन्ग वे जान लेते हैं कि इसका लॉन्ग तरीका क्या हो सकता है गूगल फॉर्म में जाने के लिए। यहाँ पे अभी मैं एक बार स्केप करता हूँ और कंट्रोल होम करता हूँ ताकि मैं ड्राइव के वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे मैं सबसे टॉप में पहुँच जाऊँ। तो कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और होम प्रेस करूँगा। Out of table, out of region button skipped. ठीक है, मैं टॉप में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू बटन और ये बटन जो है वो कोलैप्स होता है। तो न्यू बटन वाले ऑप्शन को हमें ढूंढना है तो हम इसके लिए डाउन एरो प्रेस करके ढूंढ सकते हैं।
लेकिन मैं इतना लॉन्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि बटन है तो हम बटन के लिए बी प्रेस करेंगे, तो बी से जितने भी बटन यहाँ पे इस वेबसाइट पे होंगे हमें मिल जाएंगे। मैं बी प्रेस करता हूँ और देखिए न्यू सब मेन्यू मिलेगा, बल्कि न्यू बटन कोलैप्स। Keyboard accessible banner search clickable settings clickable Google like new menu button collapse sub menu है ना, new menu button collapse sub menu। अब यहाँ पे इसे हमें open करना है, तो यहाँ पे space करेंगे expanded folder। यहाँ पे मैं download press करता हूँ, देखिए Google form का option देखते हैं मिलता है कि नहीं। file upload folder upload Google Docs sub menu Google Sheets sub menu Google Slides sub menu Google Forms sub menu Google Forms सब मेन्यू। अब इस सब मेन्यू को ओपन करने के लिए हम राइट एरो कर सकते हैं या एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो राइट एरो है किसी भी सब मेन्यू को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन मेन्यू में, क्योंकि अभी जो मेन्यू ओपन हुआ है वो एप्लीकेशन मेन्यू है। यहाँ पे मैं राइट एरो करता हूँ, न्यू मेन्यू बटन एक्सपेंडेड सब मेन्यू। यहाँ पे हम डाउन एरो अप एरो से अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं। Clickable navigation landmark heading level 2 folders and views। So, अभी यहाँ से कर्सर हट चुका है, फिर से हमें न्यू सब मेन्यू में जाना है। But, मैं यहाँ से फिर से बी प्रेस करता हूँ। Keep expand sir click set click group new clickable close new menu button expanded sub menu। ठीक है, न्यू बटन मेन्यू फिर से आ गया है, वहाँ से कर्सर हट गया था। यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ फिर से। Collapsed। ये अभी ओपन था और वो कलैप्स हो चुका है, फिर से ओपन करता हूँ, स्पेस करता हूँ। Expanded folder। ठीक है, एक्सपैंड हो चुका है। यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। File upload, folder upload, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms sub menu। तो ये Google Forms sub menu आ चुका है, यहाँ पे मैं राइट एरो करता हूँ। Menu loading, menu sub menu। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। Blank quiz। ब्लैंक क्विज आया है, एक बार मैं अप एरो करता हूँ। ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म, तो हमें ब्लैंक फॉर्म ही चाहिए, तो हम ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे एंटर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे फिर हम अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें अपने फॉर्म में वो रख सकते हैं, जो कॉलम्स बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बता चुका हूँ। और मैं क्लोज क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण है कि मैं आपको एक शॉर्टकट जो इसका है वो बताना चाहता हूँ, और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना भी चाहता हूँ। ये ऑप्शन आपने देख लिया है और आपको इसी तरह से ओपन करना है गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। जब हम बात करें शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट यूज़ करने के लिए ड्राइव में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ब्राउज मोड ऑन होना चाहिए। NVDA में ब्राउज मोड होता है, जो कि इंसर्ट प्लस स्पेस से ऑन और ऑफ होता है, ये टॉगल ऑप्शन है। तो इंसर्ट को हम प्रेस करके रखेंगे और स्पेस प्रेस करता हूँ मैं। ये जो आपको साउंड आई अभी, ब्राउज मोड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो शॉर्टकट है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ओ। शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और ओ प्रेस करेंगे तो गूगल फॉर्म देखिए खुल जाएगा। ठीक है, ये खुल चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बार कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ, ताकि हम बारी बारी से एक एक ऑप्शन को अच्छे से देख सकें और सभी ऑप्शन को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं उन्हीं ऑप्शंस की बात करूँगा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो एक बेसिक फॉर्म तैयार करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और होम प्रेस करूँगा। बटन फॉर्म्स होम। इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करें तो एक बार कंट्रोल होम ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप उस वेबसाइट के टॉप पे चले जाएंगे और उसके बाद आप एक एक करके सभी ऑप्शंस
उस वेबसाइट के चेक कर सकते हैं। नहीं तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस आपसे छूट जाएं, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टाइटल एडिट अनटाइटल्ड फॉर्म, डॉक्यूमेंट टाइटल एडिट अनटाइटल्ड फॉर्म। तो हम फॉर्म का टाइटल देंगे, फॉर्म को किस नाम से हमें शो कराना है, और हमेशा इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अभी हमने ड्राइव से फॉर्म को ओपन किया है, गूगल फॉर्म को, तो ये जो सेव होगा वो ड्राइव के अंदर ही होगा और ड्राइव के अंदर से ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे हम ड्राइव के अंदर से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म सेव होगा वो ड्राइव के अंदर ही होगा। अब हम यहाँ पे जो टाइटल देंगे, ये टाइटल कौन सा होगा ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद एक और टाइटल आने वाला है। हम यहाँ पे जो टाइटल देंगे वो टाइटल इसलिए दे रहे हैं कि जो ड्राइव में हमें फॉर्म मिलेगा ये वो किस नाम से मिले आप जो भी चाहते हैं। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि अमित नाम से मुझे ये फॉर्म मिले, तो ड्राइव में मैं चाहूँगा अमित नाम से मुझे फॉर्म मिले, तो यहाँ पे मैं अमित टाइप करूँगा, जो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ रहा था। एक बार मैं फिर से सुना देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल एडिट अनटाइटल्ड फॉर्म, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अमित, तो मुझे ये ड्राइव में अमित नाम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अमित, no previous annotation, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने के लिए सबसे पहले हमें स्पेस करना है, document title edit selected untitled form, और ध्यान रखेंगे कि ये जो भी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है untitled form ये selected है। जैसे ही अमित के लिए मैं A टाइप करूँगा वो unselect हो जाएगा, A unselected, है ना, आपने सुना unselected। अब मैं बाकी का लेटर टाइप करता हूँ MIT और स्पेस करके लिख देता हूँ गूगल फॉर्म, अमित स्पेस GOOGLE गूगल स्पेस FORM, ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्केप करता हूँ, बटन फॉर्म्स होम। अब एक बार हम टाइटल सुन लेते हैं कि क्या मैंने डाला है, डॉक्यूमेंट टाइटल एडिट अमित गूगल फॉर्म, ठीक है, अमित गूगल फॉर्म मैंने टाइप किया था, यहाँ पे अब शो हो रहा है। अब मैं डाउन एरो करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन था वो टाइटल का था, तो इसके बाद का ऑप्शन देखते हैं, बटन मूव द फोल्डर। यहाँ से आप किसी भी फोल्डर में, ड्राइव में आपने अलग अलग यदि फोल्डर बनाए हुए हैं तो उस फोल्डर में आप मूव कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अभी हमें ये काम नहीं करना है, मैं डाउन एरो करता हूँ, चेक बॉक्स नॉट चेक स्टार, ठीक है। ये फॉर्म यदि रिक्वायर्ड है, आप ये शो करना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म आप बना रहे हैं ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स नॉट चेक है स्टार, इसको हम चेक कर देंगे तो ये ऐसा शो होगा कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। Checked. इसका एक सिंबल आता है जो कि जिससे ये शो होता है कि ये फॉर्म जो है ये रिक्वायर्ड है। मैं डाउन एरो करता हूँ, बटन कोलैप्स कस्टमाइज्ड थीम। अभी हम बहुत ज़्यादा एडवांस इसमें नहीं जाएंगे, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे थीम का भी ऑप्शन है। हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा थीम चाहिए, जो फॉर्म का जो सबसे टॉप का जो पार्ट होता है वो कैसा दिखे, उसमें क्या थीम लगाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं डाउनलोड करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से जब आप फॉर्म जब बना लेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर से मैं डाउनलोड करता हूँ, और अंडू का मतलब देखिए, ये ऑप्शन आपको बहुत जगह मिल जाते हैं। अंडू का मतलब ये है कि आपने कोई
टाइप किया, कुछ लिखा, कोई क्वेश्चन बनाया आपने फॉर्म में और गलती से वो डिलीट हो जाता है वो क्वेश्चन, तो फिर से आप उसे वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडू का। ठीक है, मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। बटन रीडू, रीडू का मतलब ठीक उसका उल्टा है। मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ। बटन सेंड, और यहाँ से आप जब फॉर्म क्रिएट कर लेंगे तो फॉर्म को आप सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के लिए आपको लिंक वहाँ पे मिलता है, उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ईमेल के लिए ऑप्शन मिलता है, आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। मेन्यू बटन कोलैप्स, सब मेन्यू मोर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, अभी इसे हम नहीं देखते हैं। एक बार बस मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। मेक अ कॉपी 1 of 7। यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे अभी मैंने स्पेस किया था, जो मोर सब मेन्यू जो ऑप्शन आया था, यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। मूव मेक अ कॉपी 1 of 7। तो पहला ऑप्शन अभी आपने सुना था, मेक अ कॉपी। अगर इस फॉर्म की एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ। मूव द ट्रैश 2 of 7। ट्रैश में अगर मूव कर देंगे तो इसका मतलब ये कि ये फॉर्म डिलीट हो जाएगा, और ट्रैश में ये कुछ दिनों के लिए रहता है, शायद एक महीने के लिए ट्रैश में रहता है, और एक महीने तक आप उसको वहाँ से यानी ट्रैश फोल्डर से वापस ला सकते हैं, और उसके बाद आप नहीं ला पाएंगे। ये कुछ इस तरह का काम करता है जिससे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, तो जब भी हम कोई चीज़ टेम्परेरी डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक ऐसा ही एक ट्रैश फोल्डर होता है जो कि ड्राइव में हमें मिलता है। डाउनलोड करता हूँ। Get 3-filled link 3 of 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। Print 4 of 7। यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। Add collaborators 5 of 7। तो ये कुछ ऑप्शन थे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, स्केप करता हूँ। More menu button collapsed sub menu। और मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Button Google account : technology discussion with Amit left paren amitkimmer.patna@mail.com right paren। तो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो भी अकाउंट ओपन होगा वो शो होगा, जो भी ईमेल आईडी ओपन होगी वो शो होगा। यदि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कोई भी अकाउंट नहीं है तो जैसे ही आप drive.google.com खोलेंगे वहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे आपको किसी न किसी एक अकाउंट से लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। टैब सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पे अलग अलग टैब आते हैं, और अभी क्वेश्चन टैब पे ये सिलेक्टेड है। मैं डाउनलोड करता हूँ। टैब रिस्पॉन्सेज, यहाँ से हम रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इन्फॉर्मेशन के लिए कोई फॉर्म तैयार किया है और कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने उनको फॉर्म तैयार करके भेज दिया है, तो जो इन्फॉर्मेशन वो हमें भेजेंगे, सबमिट करेंगे, वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा जहाँ पे रिस्पॉन्सेज टैब आ रहा है। मैं डाउन प्रेस करता हूँ। टैब सेटिंग्स, और यहाँ पे सेटिंग टैब आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म की कुछ सेटिंग्स हैं, उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं डाउनलोड करता हूँ। बटन ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड करने के लिए, जैसे आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे आके और स्पेस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड भी होता है, मैं वो भी आगे चल के बताऊँगा। मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। बटन इम्पोर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपने कोई और गूगल फॉर्म तैयार किया हुआ है, वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ही ऑप्शन आता है। बटन ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऐड टाइटल का जो ऑप्शन आ रहा है ये हम समझते हैं कि क्या है। अभी तक हमने एक सबसे पहले जो देखा था टाइटल, उससे हमने समझ लिया है कि वो जो टाइटल हम देंगे वो गूगल ड्राइव में उसी नाम से शो होगा। लेकिन ये जो टाइटल है,
एक बार मैं फिर से सुना देता हूँ। Button Add Title and Description। Add Title and Description। यहाँ पे जब हम जो हम टाइटल और जो आगे डिस्क्रिप्शन के लिए आएगा वो हम जो देंगे वो फॉर्म के सबसे टॉप में शो होगा कि हम फॉर्म किस पर्पस से तैयार कर रहे हैं, वो टाइटल होगा और जो पर्पस होगा उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ और चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो मैं इसका भी ख्याल रखता हूँ तो मैं डाउनलोड करता हूँ। ऐड इमेज, आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने फॉर्म में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करता हूँ। वीडियो भी आप ऐड करना चाहें तो अपने फॉर्म में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको गूगल फॉर्म देता है। डाउनलोड मैंने किया तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड सेक्शन। मान लीजिए आप अपने फॉर्म को अलग अलग सेक्शन में बनाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि आप कोई फॉर्म तैयार कर रहे हैं और उसमें आप लोगों के इन्फॉर्मेशन्स लेना चाहते हैं तो उसमें आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, है ना। जैसे एक सेक्शन आपने बना दिया क्वालिफिकेशन का, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस रख दिए, है ना। एक सेक्शन आपने बना दिया जनरल इन्फॉर्मेशन का, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस बना दिए, तो ये अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। मैं डाउनलोड करता हूँ। फॉर्म टाइटल एडिट मल्टीलाइन अमिड गूगल फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म टाइटल अभी मैं समझा रहा था कि जो फॉर्म के सबसे टॉप में आपको शो होता है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि फॉर्म टाइटल क्या देना चाहते हैं जो आपके फॉर्म में सबसे टॉप में शो हो, और इससे ये पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो आपने बनाया है उसका पर्पस क्या है, और इसने ऑटोमेटिकली जो मैंने ऊपर टाइटल दिया था जो जिस नाम से गूगल ड्राइव में शो होगा तो वही नाम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। यदि आपको वही नाम देना है जो आपने ऊपर दिया था जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है तब तो ठीक है, तब तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप दूसरा नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस करेंगे, ये एडिट बॉक्स है और यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं कुछ आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। Out of form title edit multi-line omit Google form। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ। Form title edit multi-line omit Google form। अमित गूगल फॉर्म मैंने टाइप किया था तो अब मैं कुछ टाइटल लेता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, टेक्नोलॉजी डिस्कशन। और सपोज डैट इस फॉर्म को मैं तैयार कर रहा हूँ एक डिस्कशन के लिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डालूँगा आगे चल के। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्नोलॉजी डिस्कशन, और ये मैं कैपिटल में चाहता हूँ कि सारा जो फॉर्म टाइटल है वो कैपिटल में देखे, तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। कैप्स लॉक ऑन। और अब मैं टाइप करता हूँ टेक्नोलॉजी डिस्कशन। TECHNOLOGY Technology Space DISCUSSION Cushion Space Discussion। ठीक है, यहाँ पे स्केप करता हूँ और कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ। कैप्स लॉक ऑफ। तो एक बार आप सुन लीजिए, मैं एरो की से आपको सुना देता हूँ। Out of form title edit multi-line omit Google spelling error form technology discussion। यहाँ पे हुआ ये है कि जो पहले से टाइप किया हुआ था वो भी साथ में आ गया है क्योंकि वो सेलेक्टेड नहीं था, तो इसको हम एडिट करके मिटा देते हैं। और यहाँ पे मैं होम की प्रेस करता हूँ एक बार। M I T space G O। मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। O G L E space spell O R M T। ठीक है, यहाँ से मैं M तक आ गया हूँ, M के बाद T है, यहाँ पे मैं T पे कर्सर ला चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं बैकस्पेस करके सब कुछ मिटा देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मुझे करना ये था कि जो पहले मैंने लिखा हुआ था उसको पहले मुझे मिटा के और तब टाइप करना चाहिए था,
तो मैंने ये काम नहीं किया था, इसलिए अभी मैंने बाद में इसको मिटाया है। अब आप सुनिए। Out of form title edit multi-line technology discussion। ठीक है, अब जो टाइटल मैं देना चाह रहा था वो आ चुका है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी डिस्कशन। यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Out of edit form description edit multi-line। यहाँ पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस करेंगे। Form description edit multi-line blank। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक बार एंड की प्रेस करते हैं blank। और बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं, तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं टाइप कर देता हूँ। technology, discussion. ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन डिस्कशन दे दिया है, मैंने स्केप किया। अब मैं ऐप अरे करता हूँ। Out of edit form title edit। और डाउनलोड करता हूँ एक बार। Out of edit form description edit multi-line this form was created for technology discussion। And this form has created for technology discussion। ये मैंने टाइप कर दिया है डिस्क्रिप्शन इसका। और मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Out of edit email। अच्छा, ईमेल। Valid email edit unavailable। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है हमें अपना टाइप करना होगा, और जो कि वैलिड हो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, ये एक नया सेक्शन ऐड हुआ है जो कि पहले गूगल फॉर्म में नहीं था। मैं डाउनलोड प्रेस करता हूँ। अभी मैं आपको एक बेसिक जो फॉर्म है वो दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है, वो जो ऑप्शंस हैं इसके, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर्म बनाने का जो सही तरीका है और जो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए अलग अलग टाइप के क्या क्या करना होगा, वो सब बात हम बाद में करेंगे। आज हम बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं गूगल फॉर्म के बारे में। डाउनलोड प्रेस करता हूँ। This form is collecting emails, button change settings। तो ये फॉर्म जो है वो ईमेल कलेक्ट करेगा, यानी जिनके पास भी ये फॉर्म जाएगा उनके पास एक सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो ईमेल आईडी के लिए आएगा। वो अपना ईमेल आईडी जब तक नहीं वहाँ पे फिल करेंगे वहाँ पे वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक सेटिंग में ऑप्शन भी होता है जहाँ पे आपको एक बटन सेटिंग का ऑप्शन मिला था, यानी सेटिंग बटन का जो ऑप्शन मिला था वहाँ पे हम इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। यानी हम यदि चाहते हैं कि ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं करना है तो उस ऑप्शन को नॉट चेक कर देंगे तो हम ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अभी जो आप सुन रहे हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं डाउन में प्रेस करता हूँ। क्वेश्चन टाइटल एडिट मल्टीलाइन अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अब सेक्शन जो आ चुका है जो क्वेश्चन का होता है, आप क्वेश्चन का टाइटल क्या देना चाहते हैं, यानी जो फॉर्म का जो जो ऊपर का एरिया होता है जहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है वो हमने देख लिया है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसका टाइटल यानी जो क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मल्टी चॉइस है या लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, ये आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कराना चाहते हैं, हर तरह के ऑप्शन होते हैं और हम सभी ऑप्शंस को बारीकी से देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और गूगल फॉर्म से रिलेटेड और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।
कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383